भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के बयान पर तगड़ा पलटवार किया है। चंद्रशेखर ने मायावती से पूछा है कि जिन सवर्णों को टिकट मिला है उनका बहुजन मिशन में क्या योगदान है। चंद्रशेखर ने ट्विटर के जरिए मायावती के आरोपों पर पलटवार किया है। चंद्रशेखर ने कहा कि बहन जी को सतीश चंद्र मिश्रा गुमराह कर रहे हैं। पार्टी संस्थापक कांशीराम की टीम के साथियों को एक एक करके बहुजन समाज पार्टी से निकलवा दिया और आज इतने बड़े विरोध के बाद भी ब्राह्मणवादी संविधान विरोधी लोगों को टिकट देकर संसद में भेजने की तैयारी चल रही है। चंद्रशेखर ने कहा कि बहुजन विरोधी मनुवादी सवर्णों को टिकट दिए जा रहे हैं और मिशनरी कार्यकर्ताओं को एजेंट बताया जा रहा है। चंद्रशेखर ने ट्विटर पर वसीम अकरम त्यागी के उस ट्वीट को रिट्वीट भी किया है जिसमें त्यागी ने मायावती पर मनुवादी होने का आरोप लगाया है। त्यागी ने कहा कि गुजरात दंगों के बाद गुजरात जाकर मोदी का प्रचार करने वाली बहन जी सहारनपुर में दलितों के अत्याचार के खिलाफ जेल काटने वाले भीम आर्मी चीफ को भाजपा का एजेंट बता रही है, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। मायावती ने ये ट्वीट किया था कि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने वाराणसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दलितों का वोट बांटने के लिए चंद्रशेखर को वाराणसी सीट से लड़वा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने षड्यंत्र के तहत भीम आर्मी का निर्माण करवाया और इसकी आड़ में दलित विरोधी मानसिकता की घिनौनी राजनीति कर रही है। एक अन्य ट्वीट में मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जासूसी करने के लिए चंद्रशेखर को बहुजन समाज पार्टी में भेजने की कोशिश की, लेकिन उनका षड्यंत्र विफल रहा। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए एक एक वोट कीमती है, इसे बर्बाद न होने दें।